नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा, हठी, मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए।
मस्त रामचरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त, गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के
कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है। बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह छायांकन, अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है, कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा, हठी, मुखर, चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरां में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है।
इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदम लाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त, गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986, देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान
बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजनदास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुंचे, क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें
कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा, भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेंकना, चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट हरीश के रूप में, उस्ताद मस्तराम पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदम लाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986, देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजनदास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश,
कैसे हरीश, मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, कहानी बनती है। भूखंड, चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरां में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुंचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना, चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त
गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है, बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू सुशील गौरी अमिनी अनिल कपूर अमृता सिंह छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986, देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है, वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है, दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का
इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुंचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद, चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी, पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा, कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा, हठी, मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे, हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए।
मस्त रामचरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के
कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी, पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा, कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा, हठी, मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है।
इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदम लाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है, बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान
बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरण दास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरण दास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरण दास एक नवोदित पहलवान है जो भजन दास के साथ रहता है। भजन दास के अनुसार चरण दास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजन दास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे, क्योंकि चरण दास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजन दास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजन दास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें
कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा, वजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेंकना, चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट हरीश के रूप में, उस्ताद मस्तराम पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी, पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अभिनीत अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजनदास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश,
कैसे हरीश, मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं कहानी बनती है। भूखंड, चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरां में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद, मस्तराम पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मख खान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त
गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी, पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा, कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अभिनीत अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का
इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरां में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुंचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मख खान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आइए अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद, चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बसु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी, पटकथा की है बसु चटर्जी, प्रकाश मेहरा, कहानी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अभिनीत अनिल कपूर, अमृता सिंह, छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित कमल सहगल, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा, हठी, मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे, हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए।
मस्त रामचरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबो के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मख खान के पिता के रूप में रूपिनी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहां भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालांकि यह कम लागत के
कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है। बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी, अनिल कपूर, अमृता सिंह छायांकन, अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है, कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है।
इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त, गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालाँकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है। बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी अनिल कपूर, अमृता सिंह छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान
बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है, दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है, जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है, जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुंचे, क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें
कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा, भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेंकना, चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट हरीश के रूप में, उस्ताद मस्तराम पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालाँकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है, बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू, सुशील गौरी, अमिनी अनिल कपूर, अमृता सिंह छायांकन, अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है, कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986। देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है। वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजनदास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है।
हरीश, कैसे हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, कहानी बनती है। भूखंड, चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने के भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेंकना, चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त
गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चमेली की शादी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चमेली की शादी, चमेली की शादी अनुवाद चमेली की शादी 1986 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। हालाँकि यह कम लागत के कारण बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी औसत थी, इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इन वर्षों में फिल्म ने एक पंथ विकसित किया है और यह बासु चटर्जी के सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। चमेली की शादी निर्देशक बसु चटर्जी पटकथा की है, बसु चटर्जी प्रकाश मेहरा कहानी द्वारा, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित, रमेश निंगू सुशील गौरी अमिनी अनिल कपूर अमृता सिंह छायांकन अजय प्रभाकरी द्वारा संपादित, कमल सहगल संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, उत्पादन चेतन इंटरप्राइजेज सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 21 फरवरी 1986, देश भारत, भाषा हिंदी। सारांश, यह फिल्म भारत में जाति व्यवस्था पर एक व्यंग है। चरणदास एक कुंवारा है जो पहलवान बनने की इच्छा रखता है, वह मस्तराम पहलवान के संरक्षण में प्रशिक्षण ले रहे हैं जो पूर्ण संयम का उपदेश और अभ्यास करते हैं। चरण को अपने जीवन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई भजन दास और उनकी भाभी करते हैं। यह फिल्म एक महिला केंद्रित फिल्म के उदाहरणों में से एक है, जहां अमृता सिंह को युवा हठी मुखर चमेली के रूप में फिल्म की स्टार के रूप में स्वीकार किया गया था और बाद में उनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। भारतीय सिनेमा में नारी की इच्छाओं की पूर्ति और वर्चस्व। एक दिन हालांकि चरणदास एक कोयला डिपो के मालिक कल्लूमल की बेटी चमेली से मिलता है, दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाता है और दोनों परिवारों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि वे अलग अलग जातियों से हैं। चरणदास को अधिवक्ता की सलाह लेनी पड़ती है। हरीश कैसे हरीश मस्तराम और दोनों के दोस्तों की मदद से प्रेमी इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कहानी बनती है भूखंड। चरणदास एक नवोदित पहलवान है जो भजनदास के साथ रहता है। भजनदास के अनुसार चरणदास को विवाह करना चाहिए और अपना एक परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन चरण पहलवान बनने पर तुले हुए हैं और मस्तराम के नियमों के अनुसार 40 तक कुंवारे रहने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक दिन चरण के विचारों को चुनौती दी जाती है जब वह कल्लूमल के कोयला डिपो में चमेली को देखता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए उसे मस्तराम का अखाड़ा छोड़ना पड़ सकता है। चरण ऐसा करता है और सलाहकार की मदद लेता है। हरीश उसके भाई का करीबी दोस्त है। हरीश चरण के प्यार की सराहना करता है और बाद में मदद करने के लिए तैयार है। चरण ने चमेली से अपने प्यार का
इजहार करने की हिम्मत की। दूसरी ओर चमेली की सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी चमेली के सच्चे प्यार की कायल है। प्रेमी युगल गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। हालांकि एक दिन प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश हो जाता है जब चमेली का एक रिश्तेदार दोनों को एक रेस्तरा में देखता है। संबंधित परिवार जल्दी अपने वार्डों के खिलाफ चिल्लाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चमेली को घर में नज़रबंद रखा जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी अपने किसी परिचित से कराने का फैसला करते हैं। चरण इस विकास के बारे में सीखता है। मस्तराम आश्चर्यजनक रूप से चरण के प्रेम का समर्थन करते हैं। यह बताते हैं कि जिस तरह अविवाहित पहलवानों के लिए कुंवारापन एक चुनौती है, उसी तरह एक प्रेमी को प्रेम दुनिया की चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए। मस्तराम चरण के दोस्तों के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेमियों का समर्थन करते हैं। इधर चंपा अपने दुष्ट भाई छदमलाल उर्फ छदमी की मदद से चरण के खिलाफ पुकारती है। हरीश और उसके सभी दोस्तों की मदद से चरण चमेली को उसके घर से छुड़ाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चरण चमेली को उसके घर से अपहरण कर लेता है, जबकि हरीश यह देखता है कि दोनों कानूनी रूप से शादी कर लें। चरण और चमेली शुरू में डरे हुए हैं, लेकिन हरीश उन्हें यह कहकर आश्वस्त करते हैं कि जब तक लोग उनकी तरह जाति से बाहर शादी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक भारतीय वास्तव में एकजुट नहीं होंगे। इस बीच यह जानने पर कि चमेली गायब है, उसके माता पिता चरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ चरण और चमेली की शादी होने वाली है। इस बीच भजनदास भी अपने आदमियों के साथ शादी में बाधा डालने के लिए आता है। दोनों पक्ष देर से पहुँचे क्योंकि चरणदास और चमेली अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। वे हरीश पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो उनके अनुसार दोनों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हरीश कल्लूमल को एक तरफ ले जाता है और बताता है कि अगर उसकी शादी की अनुमति है तो वह चुनाव में दोनों जातियों के वोट हासिल करेगा, क्योंकि उसका दामाद सभी युवाओं का नेता है और उसे अखाड़ों का भी समर्थन प्राप्त है। हरीश के तर्क से आश्वस्त होकर कल्लूमल स्थानीय चुनाव जीतने की भ्रम से मोहित होने के कारण नरम पड़ गया। इसी तरह हरीश भजनदास को बताता है कि एक प्रभावशाली कल्लूमल चुनाव जीतना निश्चित है। अगर भजनदास शादी को स्वीकार करते हैं तो कल्लूमल की बदौलत उन्हें अपने कोयला का कारोबार करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कल्लूमल से रियायती दर पर कोयला और सीमेंट मिलेगा। भजनदास लालची हो जाता है और झुक जाता है। अंत में चमेली और चरणदास दोनों पक्षों के आशीर्वाद से एक हो जाते हैं। फेकना चरणदास के रूप में अनिल कपूर, चमेली के रूप में अमृता सिंह, अमजद खान एडवोकेट, हरीश के रूप में उस्ताद मस्तराम, पहलवान के रूप में ओम प्रकाश, पंकज कपूर, कल्लू मालिक के रूप में सत्येन कपूर, भजनदास के रूप में भजनदास की पत्नी के रूप में तबस्सुम, चंपा के रूप में आरती आचरेकर, छदमलाल के रूप में अन्नू कपूर, राम सेठी के रूप में नाथूलाल, गुलाबों के रूप में जय श्रीटी, घनश्याम रोहिरा, फतचा के रूप में शैल चतुर्वेदी, लच्छूराम कंपाची अवलिक मखखान के पिता के रूप में रूपिणी, अनीता के रूप में चमेली की दोस्त। गीत संगीत संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत प्रकाश मेहरा और अनजान द्वारा लिखे गए थे। गाना नंबर एक चमेली की शादी, इस गाने के गायकार अनिल कपूर हैं। गाना नंबर दो पीना हराम है ना पिलाना हराम है, इस गाने को किशोर कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन मोहब्बत की दुश्मन, इस गाने के गायकार अनवर हैं। गाना नंबर चार उतर आई अखाड़े में, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच तू जहाँ भी चलेगा, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।